बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के सबसे बड़े पासवर्ड पर करंट अफेयर जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम इस वीडियो में हम यूडीसी के टेस्ट की तैयारी के हवाले से डिस्कस करेंगे कि ये तैयारी कैसे करें। टाइम बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो इस थोड़े टाइम में कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इसका सिलेबस भी चेंज हो गया है तो वो भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा टेस्ट को पास करने का फार्मूला आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और एंड पे आपको ये भी बताएंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा फ्री, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी फीस नहीं है। आज जैसे कि आपको मालूम है कि इसका सिलेबस चेंज हो चुका है। अभी इसका सिलेबस जो है उसमें 40 MCQs हैं, और इसी तरह इसमें जो चीज़ें हैं और बाकी जो है 60 नंबर का जो है ऐसे है। तकरीबन 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इसमें कोई पैसा यकीन के साथ कहते हैं नहीं लगेगा। और आगे बात करते हैं किस किताब से तैयारी करनी चाहिए। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है, आपके पास कोई भी बुक है उससे तैयारी करें जिसमें जो हम आगे सिलेबस में आपको डिटेल से बताएंगे सब्जेक्ट मौजूद हों तो ठीक है। और ऐसे के लिए तो यकीनन आपको स्पेशल ही बुक लेनी पड़ेगी, या आप 9th 10th के अगर आपको ऐसे याद हैं तो उनको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर लें, और वो भी बेहतरीन, उनसे आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। और इसके अलावा जो 5 ईयर पास्ट पेपर हैं इस्लामाबाद पुलिस के, उनको देखें, उससे आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बात याद रखें, अगर आप सिफारिश करप्शन के चक्करों में पड़ेंगे ना कि मैं रिश्वत दे के लग लूँगा, तो बहुत कम चांसेस हैं कि कामयाबी मिले, और ज़्यादा चांसेज हैं कि आप जो है टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए कोशिश करें, अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करें, दिन रात एक करें, इंशाल्लाह आपकी जॉब ऑटोमेटिक हो जाएगी। और इस्लामाबाद पुलिस के पास्ट पेपर को जितना हो सके पढ़ें 1 से 2 3 दफ़ा। इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और सिर्फ ये आपको test.pk के वेबसाइट से मिल जाएंगे। बाकी बहुत सी वेबसाइटें इसे शायद मिलें लेकिन वो फेक या कॉपी पेस्टेड होते हैं, तो वो, और कोशिश करें इनको डिटेल के साथ पढ़ें। सिर्फ MCQs पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना ही ये क्या हो सकता है कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन डिटेल से पढ़ने के ये होगा कि इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको हो जाएगा। जैसा कि आजकल PPSC में क्वेश्चन हर तकरीबन पेपर में पूछ रहा है जो है उसामा बिन लादन के हवाले से, तो हम एक जब पहली दफ़ा क्वेश्चन आया था तो उसामा बिन लादन की पूरी हिस्ट्री नीचे लिख दी। अब जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो नीचे डिटेल में से आ रहा है। जिन्होंने फर्स्ट टाइम वो क्वेश्चन पढ़ लिया उनको सारे क्वेश्चन ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा वो कहेगा यार कि तो ये तो क्वेश्चन किसी भी जगह से नहीं आ रहे, किसी भी वेबसाइट से नहीं आ रहे। हालांकि ऐसा नहीं है, हमने तो फर्स्ट टाइम ही जब वो क्वेश्चन आया था तो उसको लिख दिया था डिटेल। इसलिए डिटेल से पढ़ें, और वो एक ही वेबसाइट है जहाँ से आपको ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी, उसका नाम है test.pk। इसके पास्ट पेपर, इसका PDF बुक्स, ऐसे के PDF बुक्स वगैरह भी आपको इस वेबसाइट से मिल जाएंगे। उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये पास्ट पेपर आ जाएंगे। आपने क्योंकि अभी UDC के टेस्ट की तैयारी करनी, तो आपने इस्लामाबाद पुलिस UDC सिलेबस पे क्लिक कर लेना। जो ही क्लिक करने से आपके सामने ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वो तमाम सिलेबस, हर चीज़, हर वो चीज़ जो आपको चाहिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो जो जितना टाइम उर्दू इंग्लिश वगैरह, इसमें 2 इंग्लिश के ऐसे होंगे और 1 उर्दू का ऐसे होगा। हमने यहाँ पे ये क्लिक करने वाला बटन बनाया, आप इस पर क्लिक करके इनको PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं। बाकी ये एक्सपेक्टेड सिलेबस हैं, यही सिलेबस होते हैं जो आमतौर पर पेपरों में होते हैं। तो हमने जो है ये मार्क्स उसके और ये इनका लिंक बनाया, यहाँ से क्लिक करके आप इनको रीड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो यहाँ से क्लिक करके आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो क्लिक वाले लिंक है ये सेम वही है, आप ऊपर से पढ़ लें या नीचे से पढ़ लें। उसके बाद आप ये 5 ईयर पास्ट पेपर हैं, इनको डिटेल के साथ पढ़ना है कम से कम 2 से 3 दफ़ा, उसका फ़ायदा आपको होगा कि समझ आ जाए कैसे तैयारी करनी है। और ये गेस्ट पेपर है, ये पेपर में जाने से पहले ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार मुख्तलिफ पेपर में आ चुके हैं। अगर ये भी नहीं पढ़ते आप तो फिर आप ये यकीन करते हैं कि मैं, हाँ अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर तो ठीक ही ठीक है, अगर बिल्कुल तैयारी नहीं है तो ये पढ़ के ज़रूर जाइए। ये भी नहीं पढ़ के जाएंगे तो फिर अल्लाह आपका हमीर नासर हो, वैसे भी अल्लाह आपका हमीर नासर हो, लेकिन इस सूरत में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड पे रिक्वेस्ट है, अगर पेपर दें जो थोड़े बहुत क्वेश्चन याद रहे जो, इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि हम अपलोड कर सकें और नेक्स्ट टाइम लोगों का फ़ायदा हो चुके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।